हेलो फ्रेंड, मैं सूरज स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब फैमिली प्रीवियस एग्जाम पर। यहाँ पर हम लोग प्रीवियस ईयर में हुए क्वेश्चन पेपर किसी भी एग्जाम का उसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सी टेट 2019 पेपर टू का मैथ का सॉल्यूशन। यहाँ पे आप देखेंगे कि पेपर टू में जो मैथ का क्वेश्चन आए थे वो कैसे कैसे क्वेश्चन थे। तो जो बच्चे 2020 में जुलाई में होने वाला सी टेट का एग्ज़ाम पेपर टू देने वाले हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसका टीचिंग सब्जेक्ट मैथ और साइंस है। लेकर चलते हैं आपका पहला क्वेश्चन। एक बात मैं बता चाहूँगा, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले आप वीडियो को लेकर शुरू से लेकर अंत तक देखें, क्योंकि यहाँ पे हम पूरे 30 के 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अंत में आपके लिए अच्छा लगे तो लाइक कर लें और शेयर कर दें। लेकर चलते हैं पहला सवाल। पहला सवाल आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, 31 नंबर में क्या दिया हुआ है कि हाउ मेनी पेयर ऑफ ट्विन्स प्राइम नंबर आर देयर बिटवीन इंटीजर्स 1 to 100। एक से लेकर 100 तक कितने मध्य अभाज्य युग्मों की संख्या है। तो मध्य अभाज्य युग्मों की संख्या पेयर ऑफ ट्विन्स नंबर, तो ट्विन्स प्राइम नंबर क्या होता है? तो ऐसे प्राइम नंबर, ऐसी अभाज्य संख्या जिनका बीच का अंतर 2 होता है, उसे ट्विन्स प्राइम या मध्य अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए 1 से लेकर 100 तक कितनी संख्या होगी, तो इसका संख्या जो होगी 8 होगी। कौन कौन होगी? तो यहाँ पे आपके लिए पता है पेयर बनाएंगे 3 और 5 का, फिर 5 और 7 ये ट्विन्स प्राइम है, फिर आपका 11 और 13, फिर 17 और 19, फिर आपका 29 और 31, फिर 41 और 43, फिर आपका आ जाता है 59 और 61, फिर आपका 71 और 73। ये आपके 1 पेयर 2 पेयर 3 4 5 6 7 8, कुल 8 पेयर हो जाते हैं 1 से लेकर 100 तक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। 32 में आपको पूछा था, क्या पूछा है कि 21,168 बराबर लिखा है 2 के पावर a × 3 के पावर b × 7 के पावर c, जहां पर a b तथा c प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो ये 4a − 5b + c का मान क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए, हम 21,168 का फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालने पे आप पाएंगे क्या, जैसे ही आप फैक्टर निकालना इसको शुरू करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कितना, 2 के पावर आपके पास 6 आ जाएगा, फिर आपका 3 का पावर 2 और 7 का पावर 3 आ जाएगा। इस तरह से आप देखेंगे कि a का मान आपका 6 हो जाएगा और b का मान आपका 3 हो जाएगा, b का मान 2 हो जाएगा और c का मान 3 हो जाएगा। यहाँ से आप पुट करेंगे तो इसका सही जवाब आपका 3 आएगा। आगे देखते हैं 33 नंबर सवाल। 33 नंबर सवाल आपके सामने पूछा है, क्या माना कि x एक वह छोटी संख्या है जिसे 8, 12, 20, 28, 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेषफल रहता है। तो x के अंकों का योगफल ज्ञात करें। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 8, 12, 20, 28 और 35 का LCM ले लेंगे। तो LCM आपके पास निकल के आ जाएगा 840। कितना आ जाएगा, 840। और प्रत्येक दशा में शेषफल रहता है 5, तो इसमें आप 5 जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 845। और 845 को सब इनके संख्या के अंकों का योगफल निकालेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 17, और 17 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं 34 नंबर सवाल। 34 नंबर सवाल पूछा है कि संख्याओं 50, 61, 92, 117 में से प्रत्येक में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि इस प्रकार इसी क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो जाए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 34 का ऑप्शन
दो, 17। आप 17 प्रत्येक संख्या में घटाएंगे तो पाएंगे क्या, जैसे 50 में 17 घटा दें और यहाँ पे 61 में आप 17 घटा दें तो यहाँ से आपको 33 मिल जाएगा और यहाँ से आपको 44 मिल जाएगा। इनका जो अनुपात आएगा वो 2:3:4 आएगा, 11 3 33, 11 6 44। इसी प्रकार हम 92 और 117 में 17 17 दोनों में घटाते हैं तो क्या मिलेगा हमारे पास, यहाँ पे मिल जाएगा आपको 75 और यहाँ पे मिल जाएगा 100। फिर से आप यहाँ पे 25 3 75 और 25 6 100, मतलब यहाँ भी 3:4 और यहाँ भी 3:4, तो 17 घटाने पे क्या हो जाएगा, समानुपात हो जाएंगे, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 35 नंबर सवाल आपके सामने। 35 नंबर सवाल आपके सामने पूछा है, क्या दिया हुआ है, 1710 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का 4 गुना, ए बी सी में कितना बांटा जाता है, 1710 रुपये। पूछा है ए का 4 गुना बी के 6 गुने के बराबर है, तो ए का 4 गुना बी के 6 गुने के बराबर है तथा बी का 6 गुना सी के 9 गुने के बराबर है। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो पूछा है ए और सी के राशि में कितने का अंतर होगा, तो ए और सी के राशि में अंतर होगा 450 रुपये का। कितने का अंतर होगा, 450 रुपये का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा है कि टोकरी ए और बी में रखे फलों की संख्या में 7 तथा 9 का अनुपात है। यदि टोकरी ए में से 6 फल निकालकर टोकरी बी में डाल दिया जाए तो यह अनुपात 1:3 हो जाएगा। तो आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मान लो टोकरी ए में 7x फल होगा, उसमें से आप 6 घटा दें, और टोकरी बी में 9x फल होगा और ए से निकाल कर इस बी में जोड़ देंगे तो आपके पास अनुपात होगा 1:3। और यहाँ से x का मान निकालेंगे और x का मान अब निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 आने के बाद आपको पूछा है कि ए और बी में कुल कितने फल हैं, तो 7x और 9x, ये 16x हो जाएगा और x के मान 2 रखेंगे तो ये कुल संख्या 32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 32, और 32 सवाल का सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं 37 नंबर सवाल। 37 नंबर सवाल आपके सामने कह रहा है कि ए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी बी का उभयनिष्ठ आधार ए बी है। मान लो इस तरह से हम एक आधार बना लें ए और बी, ठीक है, ए बी के एक ही ओर स्थित है, दोनों त्रिभुज ए बी के एक ही ओर स्थित है, डी ए बी पर लंब है, तो डी और ए पी पर लंब है तो यहाँ पे हम डी रख लेते हैं तो त्रिभुज ये बन जाता है डी ए बी। क्या बन जाता है, त्रिभुज ए डी बी या तो डी ए बी, यहाँ पे लंब है मतलब ये 90 डिग्री है। इसी तरह से कहता है कि सी बी ए बी पे लंब है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सी और बी और ए बी पे ये लंब हो जाएगा, तो तथा ए सी और बी डी बराबर है, मतलब ए भुजा ए सी और बी डी बराबर है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका कथन सत्य तीसरा सही हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप होंगे त्रिभुज बी ए डी के। आगे देखते हैं 38 नंबर सवाल आपके सामने। 38 नंबर सवाल आपके सामने पूछा है कि 4 त्रिभुजों की भुजा नीचे दी गई है, 4 त्रिभुजों की भुजा दी गई है, इनमें से कौन सा समूह समकोण त्रिभुज बनाता है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन तीसरा में 11 60 तथा 61 ये समकोण त्रिभुज बनाता है, तो यहाँ से ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं कि दो मतलब यहाँ पे लंब और आधार का स्क्वायर का जो योगफल होता है वो आपके हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के बराबर होता है, तो यहाँ पे 11 का स्क्वायर करें, 60 का स्क्वायर करें तो पाएंगे क्या, 61 के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। आगे देखते हैं 39 नंबर सवाल। 39 नंबर सवाल आपके पास, 39 नंबर सवाल पूछा है कि किसी त्रिभुज का कोण 3:5:7:9 के अनुपात में है, तो चतुर्भुज के सबसे छोटे तथा सबसे बड़े कोण का अंतर ज्ञात करें, तो इसके लिए क्या करेंगे आप,
यहाँ पे सभी कोण को हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 9, 7, 16, 16, 5, 21, 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
हैं तो ये 360 डिग्री होता है, तो ये कितने गुना होता है, तो ये 15 गुना होता है। तो हमें सबसे छोटा और सबसे बड़ा इसका जब अंतर निकालेंगे तो ये अंतर निकल के आता है आपका 6, कितना आ जाता है 6। इस 6 को हम 15 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 90, कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। आगे देखते हैं 40 नंबर सवाल। 40 नंबर सवाल पूछा है किसी त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है, यदि इसकी सभी भुजाओं की लंबाई सेंटीमीटर पूर्णांक में है तो इस प्रकार कितने विभिन्न त्रिभुज संभव हैं। तो इस तरह के त्रिभुज की संख्या कितनी बनेगी, तो ये बन जाएगी आपका 3 बन जाएगी, कितनी बनेगी 3 बनेगी। आगे देखते हैं आपको 41 नंबर सवाल। 41 नंबर सवाल में पूछा है क्या एक घनाभ आकार का गोदाम है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 56 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 10 मीटर है, इसके अंदर अधिकतम कितने घनाभ आकार के डिब्बे रखे जा सकते हैं, यदि प्रत्येक डिब्बे की बीमाएँ 2.8 मीटर, 2.5 मीटर और 70 सेंटीमीटर है। तो क्या करेंगे, बड़े गोदान का आयतन निकाल लेंगे, कितना होगा 56 × 42 × 10 मीटर और हमें एक डब्बे के आयतन से भाग दे देना पड़ेगा, तो ये 2.8 × 2.5 × अब ये सेंटीमीटर में है, इसे भी मीटर बना लें तो ये 0.7 आ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे क्या 4800 डिब्बे रखे जा सकते हैं, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 42 नंबर सवाल। 42 नंबर सवाल आपके सामने पूछा है कि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 528 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 2 मीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करें। तो बेलन का आयतन जब ज्ञात करेंगे तो आधार की परिधि, बेलन का आधार की परिधि मतलब हम एक बेलन बना लेते हैं, उसके आधार की परिधि दिया हुआ है, तो ये परिधि हमारे पास कितना होता है 2πr, 2πr बराबर दे रखा है ये 528। यहाँ से हम r निकालेंगे तो r का जो मान आएगा वो आ जाएगा आपके पास 84 सेंटीमीटर, 84 सेंटीमीटर और यहाँ पे ऊंचाई दिया हुआ है 2 मीटर और यहाँ भी आंसर सारे मीटर में दिए हैं, तो 84 सेंटीमीटर को 0.84 लिख लें और इस तरह से सॉल्व करेंगे तो इसका सही जवाब जो आएगा 42 का, वो 42 का सही जवाब आपके सामने जो होगा क्वेश्चन तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 43 नंबर सवाल। 43 नंबर सवाल आपके सामने दिया हुआ है किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल 227.2 सेंटीमीटर है और इसके एक विकर्ण पर उसके सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंबों की लंबाई 7.2 सेंटीमीटर तथा 8.8 सेंटीमीटर है, तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। मान लो एक चतुर्भुज हम बना लेते हैं, इस चतुर्भुज में यहाँ पे एक विकर्ण दिखा देते हैं और यहाँ से डाला गया लंब और इस शीर्ष से डाला गया लंब, इसकी लंबाई मान लो यहाँ पे 7.2 है और इसकी लंबाई अब लंब की लंबाई 8.8 है, तो यहाँ से अब क्या करेंगे, यदि हमें इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या करेंगे, ये लंबाई 1/2 गुने 7.2 और गुने इस विकर्ण की लंबाई की बात किया जाए तो इसकी लंबाई को हम एक्स ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं एक्स ले लेते हैं, प्लस में 1/2 इधर के त्रिभुज से बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा 8.8 × x, ठीक है यहाँ भी, तो इस तरह से और ये क्षेत्रफल हमें दिया हुआ कितना 227.2, तो यहाँ से जब निकालेंगे तो x का जो मान आएगा वो आएगा 28.4, इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं 44 नंबर सवाल आपके सामने है। 44 नंबर सवाल क्या पूछा है, यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 5 × 3x + 4 − 8 × 6x + 7 = 9x − 8, देन फाइंड x² − 2x + 1। जब ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x बराबर आपके पास आ जाएगा
कितना एक्स बराबर एक्स का जो मान आएगा आपके पास सॉल्व करने से, और जो मान यहाँ से पुट करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 25/9। कितना आ जाएगा? 25/ एक्स का मान जो निकालेंगे और वहाँ पे पुट करने पे आपका सही जवाब आएगा 25/9 आ जाएगा। आगे देखते हैं 45 नंबर सवाल। 45 नंबर भी सवाल भी इसी तरह से कुछ है, क्या a इंटू ए प्लस बी स्क्वायर प्लस सी प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए का मान, बी का मान और सी का मान आप पुट करेंगे तो पाएंगे 154 इसका सही जवाब आएगा। तो 45 का आंसर हो जाएगा 154। आगे देखते रहिए कि कैसे कैसे सवाल पूछे हुए हैं। इसी तरह का सीटेट पेपर टू में सवाल पूछे जाते हैं, तो आप इसी तरह से तैयारी करें और अपना प्लानिंग करें। यहाँ भी क्या है, एक सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है, एक इस तरह से x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं पूछा है क्या, 47 में पूछा है कि व्हाट इज़ द मीन ऑफ मीडियन मोड एंड रेंज ऑफ द डेटा गिवन बिलो। तो आप यहाँ पे देखिए माध्य, बहुलक और परिसर का तीनों का माध्य निकालना है, ठीक है, माध्यक, बहुलक और परिसर का माध्य निकालना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ से इस जो डेटा दिया हुआ है हमें उसको बढ़ते हुए क्रम में सजाना पड़ेगा। तो यहाँ से आप सजाएंगे, जीरो को लिखेंगे, इस तरह से बढ़ते हुए क्रम में सजाने के बाद आप वहाँ से माध्यक निकालेंगे, बहुलक निकालेंगे और परिसर निकालेंगे। तो निकालने के बाद फिर उनका माध्य निकालेंगे तो सही जवाब यहाँ से 33 प्राप्त होगा। आगे देखते हैं 48 नंबर सवाल। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि कहीं आपसे कोई भी मैथ के प्रॉब्लम नहीं बनते हैं तो हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं आपको प्रॉपर सॉल्यूशन दूंगा। आगे आपके सामने है 48 नंबर सवाल। 48 नंबर सवाल कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ये मैथ के पैडागोगी के सवाल होते हैं, तो इस तरह के सवाल भी आपके एग्जाम में आते हैं। क्या पूछा है, एक ये मैथमेटिकल थ्योरम इज, एक गणितीय परिमेय होता है, क्या होता है? तो ये स्टेटमेंट दैट हैज़ द हैज़ बीन प्रूवन बाय लॉजिकल आर्गुमेंट बेस्ड ऑन एक्सियम, मतलब एक कथन जिसे अभिगृहितों के तर्कसंगत युक्तियों द्वारा सिद्ध किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं 49 नंबर सवाल। 49 नंबर सवाल आपके सामने बोलता है, थिंक विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, दिस एक्सियम विच इज बेसिस ऑफ अर्थमेटिक एंड अलजेब्रा इज गिवन बाई। वस्तुएं जो एक समान वस्तु के बराबर है वे एक दूसरे के बराबर होगी, यह अभिगृहित जो अंकगणित और बीजगणित का आधार है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो ये यूक्लिड के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? यूक्लिड के द्वारा दिया गया था। आगे देखते हैं क्या, कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज असेसमेंट स्ट्रेटजी टू इनक्रेज इन डिसिप्लिनरी इन मैथमेटिक्स, गणित में अंतः विषयकता को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से किसे आकलन योजना के रूप में उपयोग किया जा सकता है? तो ये प्रोजेक्ट मेथड भी उपयोग किया जाता है और फील्ड ट्रिप मेथड भी यूज किया जाता है, परियोजना, प्रोजेक्ट और क्षेत्र भ्रमण, मतलब ए और बी इसके सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं आपका 51 नंबर सवाल। 51 नंबर सवाल पूछा है, किस विधि से यह सिद्ध किया जा सकता है कि दो सम पूर्णांकों का योग सदा सम होता है? विच मेथड कैन बी यूज टू प्रूव द सम ऑफ टू इवन इंटीजर्स इज ऑलवेज इवन। अब देखिए दो सम संख्या का सम हमेशा एक सम होता है, ये किसके द्वारा प्रूफ किया जा सकता है? तो ये डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष प्रूफ के द्वारा किया जा सकता है, डायरेक्ट प्रूफ के द्वारा किया जा सकता है, डायरेक्ट प्रूफ इसका सही जवाब हो जाएगा। 52 नंबर सवाल। 52 नंबर सवाल में पूछा है, गणित के उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किन कौशल को प्रोत्साहित किया जाता है? तो किन कौशल को प्रोत्साहित किया जाता है? तो विजुअलाइजेशन सही हो जाएगा, मार्गदर्शन, ट्रांसपोजिशन,
पक्षतान तंत्र, ये भी सही होगा। मेमोराइजेशन, कभी भी एनसीएफ नहीं कहता है कि बच्चों को कंठस्थ कराना चाहिए या मेमोराइज कराना चाहिए। जनरेशन भी सही हो जाएगा, एस्टिमेशन भी सही हो जाएगा। तो ए बी डी और ई, ये सिर्फ आपका पहला ऑप्शन में दिख रहा है और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं 53 नंबर सवाल। 53 नंबर सवाल आपके सामने पूछा है कि निम्नलिखित में से किस कार्य से विद्यार्थियों में विवेचनात्मक विचारों के विकास की संभावना न्यूनतम होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज लीस्ट लाइकली टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग अमंग द स्टूडेंट, मतलब किस विचार से विवेचना विचारों के विकास की संभावना न्यूनतम होगी। तो बच्चे के सोचने की शक्ति न्यूनतम कब होगी, जब उन्हें बहुत ही आसान सा सवाल मिल जाता है सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे देखा जाए, ये चारों में से सबसे आसान हम यहाँ पे क्वेश्चन जो इसका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा। एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 3.5 और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आप ये बच्चा क्या करेगा, सिर्फ एक फॉर्मूला लगाएगा 1/3 πr² h, यहाँ से वो आयतन निकाल लेगा शंकु का। तो इसमें बच्चों की जो सोचने की तार्किक क्षमता होगी वो बहुत ही न्यूनतम होगी। आगे देखते हैं 54 नंबर सवाल। 54 नंबर सवाल आपके सामने है, क्या पूछा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचार्य की रूपरेखा एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार सभी के लिए गणित उपलब्ध कराने का व्यापक उद्देश्य निम्नलिखित में से किससे संरेख है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग अलाइंस विद द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग मैथमेटिक्स फॉर ऑल एज ए पर एनसीएफ 2005। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका क्या, कि विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न सामाजिक समूहों वाले गणितज्ञों के योगदान की विशिष्टताओं पर बल देना, कंट्रीब्यूशन ऑफ द मैथमेटिशियन फ्रॉम द डिफरेंट रिलीजन एंड डिफरेंट सोशल ग्रुप शुड बी हाईलाइटेड, ये बताया गया है एनसीएफ 2005 में। आगे देखते हैं 55 नंबर सवाल। ये सारे सवाल पेडागोगी के सवाल हैं और ऐसे ऐसे सवाल आते हैं, तो आप घबराएं नहीं, वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें, अपना हौसला बनाए रखें और इस तरह की तैयारी आप करते रहें। गणितज्ञ कक्ष को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रभावी है, तो क्या प्रभावी है इसके लिए आप देखेंगे 55 का जो सही सवाल हो जाएगा, सही जवाब होगा 55 का ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 में आपके सामने पूछा हुआ है क्या यहाँ पे, कि अध्यापक द्वारा एक नई समस्या को हल करने का चरणों का कुशलता से बोर्ड पर निरूपित करना चाहिए। स्टेप 4 सॉल्विंग ए न्यू प्रॉब्लम्स आर नीटली डेमोन्स्ट्रेटेड ऑन द बोर्ड बाय द टीचर, ये इसका सही जवाब हो जाएगा, प्रभावी तरीका है। आगे देखते हैं यहाँ पे 56 नंबर सवाल। 56 नंबर सवाल आपके सामने दिया हुआ है कि आयतन के मापन में शिक्षण और अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिजरेबल प्रैक्टिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम, तो 56 का सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे 4th नंबर। विद्यार्थियों को विभिन्न आकृतियों के आयतन की परिकलन हेतु प्रयासों की कल्पना के लिए प्रोत्साहित करना, इंकरेज स्टूडेंट टू फिगर आउट वेज टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं 57 नंबर सवाल। 57 नंबर सवाल क्या बोला है, पियाजे के अनुसार बच्चों की दिक् स्थान की समझ के लिए निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू पिगेट्स व्यू ऑफ चिल्ड्रेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस, 57 का सही जवाब आपका हो जाएगा सेकेंड, ज्योमिति बोध की प्रगति ऐतिहासिक क्रम में होती है ना कि तर्कसंगत क्रम में होती है। प्रोग्रेशन ऑफ ज्योमेट्रिक आइडियाज फॉलोज ए हिस्टोरिकल रैदर देन ए लॉजिकल ऑर्डर, दूसरा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं 58 नंबर सवाल। 58 नंबर सवाल फिर से एक सरलीकरण कैलकुलेशन बेस्ड सवाल है। यहाँ से आप देखेंगे क्या, ये पूरे इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो x का मान निकलेगा, क्या किसका मान निकलेगा, x का, और x का मान निकलेगा 46, सही जवाब आएगा। ठीक है,
आगे 59 नंबर सवाल, 59 नंबर सवाल में पूछा है यदि 8 अंकों वाली संख्या 30X0867Y88 से विभाज्य है तो 3X+Y का मान ज्ञात करें। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि 8 अंकों की एक संख्या दिया हुआ है जो 88 से विभाजित है, तो थ्री क्या है, तो यहाँ पे एक्स और वाई का मान निकाल के यहाँ पे आप पुट करेंगे तो आप इसका सही जवाब आ जाएगा। और यहाँ से जब मान निकाल, ये कैसे सॉल्व करेंगे कि ये पूरी जो संख्या होगी वो 88 से विभाजित है तो ये 11 और 8 से भी विभाजित होगी, तो 11 का डिविजिबिलिटी का रूल लगाएं और फिर 8 का डिविजिबिलिटी का रूल लगाएं, फिर वहाँ से एक्स और वाई का मान निकलेगा। क्यों 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि किसी भी संख्या का अंतिम तीन संख्या 8 से विभाजित हो तो पूरी संख्या विभाजित होगी, तो 67Y है लास्ट का, तो 67Y, तो ये Y का मान क्या होना चाहिए, तो Y का मान 2 होना चाहिए। 8 से डिवाइड करेंगे तो 8×8 64 होता है, 3 बच जाएगा यहाँ पे 3, तो Y का मान क्या रखेंगे, 8 से कट जाएगा तो 2 रखेंगे, तो Y बराबर इस तरह से 2 आएगा। फिर आपका X का मान रखना पड़ेगा, तो X का मान 1 आएगा और Y का मान 2 आएगा, और यहाँ पे पुट करेंगे तो 3×1+2 रखेंगे तो 5 इसका सही जवाब आ जाएगा। आगे देखते हैं 60 नंबर सवाल, और ये अंतिम सवाल था। यहाँ से आप देखें इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको -133/12 आ जाएगा। यहाँ से आपको मिलेगा -11 से ही 1/12, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। इस तरह से आपने पूरे 30 के 30 क्वेश्चन देखे, और इसी तरह के क्वेश्चन पेपर 2 CTET में आते हैं, तो इसी तरह के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें, और इसी तरह का मैथ पढ़ें, कुछ पैडागोगी, कुछ कैलकुलेशन बेस्ड सवाल पढ़ें, और इस वीडियो इस चैनल के साथ जुड़े रहें। हम बीच बीच में इस तरह के प्रॉब्लम, इस तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते रहेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।